आप सभी साथियों को प्राइवेट जी का नमस्कार। साथियों, बहुत लंबे समय के बाद एक नया वीडियो लेकर के हम आए हैं आप लोगों के सामने, और ये है हाईकोर्ट इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी व कंप्यूटर असिस्टेंट की परीक्षा, जो 2019 में जो विज्ञापन आया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि बहुत से लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जुड़े होंगे, उनको बहुत पहले भी मैंने परीक्षा की तारीख भी मैंने बता दी थी, और जनवरी माह में परीक्षा की तारीख भी, जो बहुत से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और जैसा कि परीक्षा संपन्न हो चुकी है और लोग अब बहुत कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग मैसेज करके पर्सनली पूछें कि सर ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, ओएमआर सीट स्कैन होके कब तक जारी होगी। हाईकोर्ट जब भी परीक्षा लेता है 2 से 3 दिन के अंदर ओएमआर सीट या जो आंसर की जारी कर देता है, ओएमआर सीट 1 महीने के बाद आती है, तो जबकि ऐसा इस बार नहीं हुआ है। तो जैसा साथियों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर असिस्टेंट की जो है ओएमआर सीट और ऑफिशियल आंसर की दोनों एक साथ ही आएगी। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी ये है कि इस 25 तारीख को, संभावना है कि 25 तारीख को आपकी ओएमआर सीट जहाँ तक शाम तक जारी कर दी जाएगी। यदि नहीं जारी कर की जाती है किसी कारणवश, तो मंगलवार तक आपकी ओएमआर सीट और आंसर की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। मंगलवार यानी कि 27 से 28 तारीख तक में आपको हाईकोर्ट की ओएमआर सीट और आंसर की आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो साथियों चैनल पर बने रहिए, और जो है वीडियो बनाएंगे हम जैसे ही समय मिलेगा, आगे की वैकेंसी के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।